दोस्तों, रावी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मालपुआ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, आधा कप सूजी, चीनी मैंने लिया है 1 कप, आप अपने स्वाद अनुसार लें। साथ ही मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा किशमिश, थोड़ी सी कूटी हुई इलायची के दाने, थोड़ा सा कटा हुआ सूखा नारियल। आप चाहें तो ये सारा कुछ डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से टेस्ट अच्छा आता है। अब इन सबको हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाना है। आप चाहें तो पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें बिल्कुल ऐसा मिलाना है कि इसमें बिल्कुल गुठली ना रहे, और इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैदा का घोल हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। आपको जो थोड़े बहुत दाने दिख रहे होंगे वो ड्राई फ्रूट्स के होंगे। तो मैदा को हमने बहुत ही अच्छे से फेटा है, बहुत ही अच्छे से उसका घोल तैयार किया है। तो इसे हम रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसे तलना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम करछी की सहायता से इस तरह से 1 करछी बैटर डालेंगे। दोस्तों, अगर आप अच्छा गोल फुला फुला मालपुआ बनाना चाहते हैं तो 1-2 गलती पर ध्यान दें, उसे आप बिल्कुल ना करें। जैसे कि मालपुआ का बैटर बनाते समय उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चीनी नहीं डालना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी डालते हैं तो इससे पुआ का जो बैटर है वो जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो वो तली में नीचे की तरफ चिपकने लगेगा। दूसरा, मैदा में सूजी की मात्रा बहुत ही कम डालें, या फिर अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अगर आप सूजी ज़्यादा डाल देते हैं तो इससे भी जो है बैटर आपका कढ़ाई की तली में नीचे की तरफ चिपकने लगता है और फुला फुला नहीं बनता है, और जब आप पलटते हैं तो वो टूट जाता है। तीसरा, मालपुआ के घोल पर खास करके ध्यान दें। अगर आप घोल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बना लेते हैं तो इससे एक तो आपका मालपुआ फूलता नहीं है और दूसरा अंदर की तरफ कच्चा ही रह जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पतला बना लेते हैं तो जब आप तेल में बैटर डालते हैं तो बैटर कढ़ाई में गोल शेप ना लेके चारों तरफ फैल जाता है, जिससे कि मालपुआ आपका गोल नहीं बन पाता है और तेल में चारों तरफ छोटे छोटे से टुकड़े मालपुआ के नज़र आने लगते हैं। और कोशिश करें कि मालपुआ बनाते समय खाने वाले सोडे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मालपुआ का कलर बहुत ही जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसे तेल से जल्दी निकाल लेते हैं और जब आप इसे बाद में तोड़ के देखेंगे तो वो अंदर से कच्चा ही रह जाता है। इसलिए मालपुआ बनाते समय खाने वाले सोडे का इस्तेमाल ना करें। बिना सोडे के इस्तेमाल किए भी अगर आप मैदा को अच्छे से फेटते हैं तो आपका मालपुआ बहुत ही अच्छा फूलेगा। और इसी तरह से अलट पलट कर मालपुए को अच्छा गोल्डन कलर आने तक तलेंगे। तो मालपुआ हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, अच्छे से तल चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी मालपुआ को तल लेंगे। ये देखिए, सारा मालपुआ हमने तल लिया है, मालपुआ हमारा बनकर तैयार है। अंदर तक मालपुआ हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है और साइड साइड में करारा क्रिस्पी हुआ है सूजी की वजह से, और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मालपुआ की ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।